एक लाइन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जेकरा जवन प्रूफ करे के बहुत करू आजाद पवन सिंह प्रूफ डाल दी है तो फिर लागे लोग जमीन छोड़ के कूदे। नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी ऐसा उनके चाचा का कहना था वो लोग का, कि नीलम मेंटली डिस्टर्ब थी इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें की हैं। सारी होने के बाद मुझे पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं लड़कियों को। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का आ गया एक बड़ा बयान सामने और इस बयान को आना ही था क्योंकि उनके फैंस बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। एक महीने के आसपास से बहुत ज़बरदस्त चर्चा में था हमारा ये चैनल नवीन भारत, क्योंकि इन्हीं दो चैनलों पर शुरू शुरू में ज्योति सिंह जी ने अपने कुछ बयान दिए थे जिससे कि भोजपुरी इंडस्ट्री बुरी तरह से हिल गई थी। दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज आरा कोर्ट में इस पारिवारिक मामले को लेकर के, जो कि पवन सिंह जी ने तलाक फाइल किया है, उस मामले में आज पेशी थी और किसी वजह से जो है वो ज्योति सिंह जी पेश नहीं हुई, लेकिन पवन सिंह जी आज पेश हुए और मीडिया वालों ने उनको वहाँ बाहर बहुत बुरी तरह से घेर लिया। जनता की भीड़ भी उमड़ पड़ी और पत्रकारों के सवाल पर बहुत कुछ न बोलते हुए ने कुछ न बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल दिया। और दो बातें यहाँ पर मुख्य रूप से पवन सिंह ने बोली। दो बातों में पवन सिंह ने एक तो सीधी सीधी नसीहत दी कि पारिवारिक मामले में हर बात मीडिया पर नहीं रखी जानी चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने चेतावनी दे दी कि जो लोग मेरे पक्ष में प्रूफ देने वाले हैं या प्रूफ दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं कि हम प्रूफ दे देंगे, तो जिस दिन पवन सिंह प्रूफ दे देगा उस दिन लोग जमीन से भागते हुए फिरेंगे। इस तरीके का बयान आ गया है सामने। तो कहीं ना कहीं इस पूरे बयान से हम आपको बताते चलें दोस्तों कि एक बहुत बड़ी जो बात हो रही थी लोगों में, पक्ष के लोग में, विपक्ष के लोगों में, अनाप शनाप बोलने वालों में, उल्टी सीधी प्रतिक्रिया देने वालों में, उन सब के बीच में एक बहुत बड़ी बात आज पवन सिंह जी ने अपने माध्यम से कह दी, अपने मुंह से कह दी ये बात कि कहीं ना कहीं मैं भी कुछ दम रखता हूं और यदि मैंने कुछ कहा तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक लाइन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जेकरा जवन प्रूफ करे के बहुत करू आजाद पवन सिंह प्रूफ डाल दी है तो फिर लागे लोग जमीन छोड़ के कूदे। ये जो सिलसिला चलता कि हई हो तो प्रूफ करब, हऊ हो तो हई कह दे, तो अलग हम सुनत नहीं प्रूफे कहके हमारे का केहू कहली। ऐसा नहीं कि ना समझ है, सबको पता है कि केबल लगता है हीरो में और खींचा जाता है तो हीरो उड़ता है, उसको इरेज किया जाता है, ठीक है। तो ऑडियंस हमारे इतने तेज है, हर चीज मुंह पे नहीं लाना चाहिए, हर चीज को बोलना नहीं चाहिए। ऑडियंस सब समझती है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या खोट है, कहाँ क्या था है और होने वाला है या होगा, हमारी ऑडियंस को सब पता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों बोलूँ जब अगला बोल रहा है ये वो दिस दैट क्या क्या फलाना ढिमका, तो हम भी बोले उसमें जाके, उस पछड़े में जाके हम भी जो नहीं बोलना है वो बोले, उसका क्या फायदा, हम अपना इज्जत उछाले, उनका इज्जत उछाले, वो हमारा इज्जत उछाले, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, पब्लिक को सब पता है। इसलिए मैं एज ए पवन सिंह मैं चुप रहता हूँ। दोस्तों हम किसी भी तरीके के विवाद का समर्थन नहीं करते और हम भी ये चाहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह जी में चलने वाले इस विवाद का जल्दी से जल्दी निपटारा हो। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं मुझे नवीन भारत पर, बहुत बहुत धन्यवाद।